अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की असल में जो वीडियो आज का, ये हम तमाम जिस चीज़ के मुंतज़िर थे, हम तमाम लोग जिसके पिछले 10 महीनों से इंतज़ार में या 9 महीनों से इंतज़ार में थे, उस चीज़ का है। मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आऊँगा। आपने थंबनेल में देखा होगा कि महाटीईटी जो है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये शुरू हो चुकी है, और जो काफ़ी 10 महीनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी उसकी उम्मीदें कही जागी है। अब ये क्यों शुरू हुई है, इसकी खास मैं तफसीलात बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 30 जून सन 2022 को एक GR आया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का था, महाटीईटी के लिए। महाटीईटी में इस पर मेरा वीडियो भी है, देखो, जो उर्दू मीडियम में जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है वो खासकर मेरा ये जो वीडियोज़ है ये देखा करें आप लोग, या फिर जो जिनको किसी भी तरीके कोई उस कोई रिजर्वेशन हो उसका क्या बेनिफिट होता है वगैरह वगैरह, उसके बारे में। तो आज जो है 45% मार्क जो है सिर्फ ज़रूरी होंगे, इसके बाद से माजी सैनिक जो है एक्स सर्विस मैन इनको, और जो शहीद है, जो देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनके कुटुंब को, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, इन लोग को, माजी सैनिक और शहीद और उनकी पत्नी जो शहीद जो हुए हुए हैं उनके जो घर वाले उनको, माजी कुटुंब सैनिक के कुटुंब को तो वहाँ उल्लेख नहीं है, सिर्फ माजी सैनिक, उसी के बारे में है ये। जो हमारे मीडियम में माजी सैनिक होंगे जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे या जो नई भी होंगे, तो ये तमाम के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि उसके बारे में वहाँ उल्लेख किया गया है कि 30 जो मैं पूरा मराठी का आपको उर्दू में जो है हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा पूरा आज का जो परिपत्र आया है। तो शालेय शिक्षण और क्रीड़ा विभाग का आज का जो परिपत्र है उसमें कहा गया है कि महाटीईटी के लिए जो 45% मार्क की जो सहूलत दी गई है माजी सैनिक के लिए, उनको जो है अब जब फॉर्म लिए गए थे तो क्योंकि महाटीईटी में सिर्फ कैटेगरी जो रहती ओपन और कास्ट, ये दो ही चीज़ों का फॉर्म लिया जाता है, और जब मेन एग्ज़ाम दिया जाता है यानी कि कोई भी चीज़ की जब मुख्य परीक्षा दी जाती है यानी सरल सेवा भर्ती यानी जिस पर सिलेक्शन हो, तो वो एग्ज़ाम में माजी सैनिक पूछा जाता है, यहाँ नहीं पूछा जाता। तो महाटीईटी में जब पूछा नहीं गया था, अब वो जो वो भी कैटेगरी अब ऐड हो गई है महाटीईटी में, तो 45% मार्क उनको लेने की जो GR आया था, अब उन लोगों को जो माजी सैनिक है उनको जो है वहाँ पर बदल करना है, यानी कि अगर वो होंगे माजी सैनिक और इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और जब भी महाटीईटी 2021 का जब भी रिज़ल्ट आएगा तो उसमें वो 68 मार्क यानी 45% मार्क पर वो एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो अब उनको जो है लॉगिन जो है करना है वहाँ पर 10 अगस्त 2022 के अंदर अंदर उनको सक्षम अधिकारी जो रहते हैं, सक्षम जो भी यानी कि जिसको हम बोलेंगे जो क्लास वन के राजपात्री जो रहते अधिकारी, तहसीलदार वगैरह, ये सब सक्षम अधिकारी है। तो ऐसे ही जो सक्षम अधिकारी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, इनके पास अपने अपने लेवल पे जहाँ पर भी होता है वहाँ पर जो है वो उससे रिलेटेड जो भी कागज़ पत्र है माजी सैनिक का, जो भी प्रमाण पत्र होता होगा वो जमा कराना है, पूरा अर्ज देना है, लॉगिन करके उस पर पूरा ऐड करना है, स्कैन करना है, उसके बाद में भी उन सक्षम अधिकारियों के पास ले जाकर वो चीज़ें माजी सैनिक से रिलेटेड जो तुम है या शहीद की जो पत्नी है या शहीद के जो बच्चे हैं, इन लोग के जो है लिए जो ये आरक्षण दिया गया है माजी सैनिक और शहीद के जो है देश के लिए जो शहीद हुए जवान हैं उनके पत्नी और उनके बच्चों के लिए, अगर वो ये सहूलत लेना चाहते हैं उनको सक्षम अधिकारियों के पास ये जो चीज़ है ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, उसके जेरोक्स अटेस्टेड करके और लॉगिन करके पूरा ऐड करना होगा, स्कैन करके वो अपलोड करना होगा वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो ये नहीं है, इनके अलावा उनके लिए ये खबर है कि अगर तुम्हारे से कोई मिस्टेक हो गई होंगी फॉर्म भरते टाइम में, मिसाल के तौर पे TET का फॉर्म भरते टाइम पे तुम्हारे नाम में मिस्टेक हुई होंगी, तुम्हारे जन्म तारीख में, तुम्हारे कास्ट में, कोई भी चीज़ में अगर मिस्टेक हुई होंगी तुम्हारे, या फिर 10th के सर्टिफिकेट के जो नाम है और इधर का नाम में जो मिस्टेक हुई होंगी, तो वो तुम 10 अगस्त के पहले पहले उसको कर सकते हैं चेंजेस। इसके भी लिए जो है एक प्रोसेस होगा, वो लॉगिन करना होगा और वो लॉगिन करके जो है जो प्रोसीजर बोला गया वो करना होगा, यानी आम जो लोग है, अब कास्ट है तो कास्ट में अगर गलती से तुम्हारी कास्ट जो है NTC किसी की रहती है, NTB रहती तो C हो गई, D हो गई वगैरह वगैरह, ये चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं, यानी कास्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कास्ट के सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल रहता है उसकी जेरोक्स और वो अटेस्टेड वो सक्षम अधिकारी के पास जमा कराना होगा, उसके बाद में वहाँ जो प्रोसीजर लॉगिन पर आज से शुरू हुआ है वो लॉगिन वो करना होगा, और उसके बाद में जो है हमको
ये बदल जो करने को मिलेंगे। लॉगिन करके हम आम जो है नॉर्मल जो लोग हैं, माजी सैनिक, शहीद और उनके जो परिवार है वो छोड़कर, ये जो दूसरी न्यूज़ है उनके लिए है जिनके नाम में मिस्टेक हो चुकी है, यानी कि फॉर्म भरते टाइम जिसके जिनके नाम में मिस्टेक हो चुकी है वो कर सकते हैं लॉगिन करके 10 अगस्त से पहले पहले। अब जो मेन जो चीज़ है, इसकी मेन जो थीम है, मैं बोल रहा हूँ इम्कानात, उम्मीद, होप जो बोलते हैं, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि इम्कानात यही है कि अब तो महाटीडी का रिज़ल्ट लग जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि साइट शुरू हो चुकी है। अब वो साइट शुरू होके वहाँ पर नीचे के लास्ट के पैराग्राफ में ये उल्लेख भी करा है कि जल्दी से जल्दी हम जो है महाटीडी 2021 का रिज़ल्ट लगा देंगे, ठीक है। अब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिए, अब यहाँ से उम्मीद और भी बढ़ गई। मैंने तुमको बोला एमपीएससी की तरफ जाना जो भर्ती है वो भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। उसके बाद में मैंने जो कल परसों का जो वीडियो डाला वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स एमपीएससी की तरफ से आया ऐसा बोला गया। यानी नियर अबाउट तमाम के तमाम चीज़ें शिक्षक भर्ती की दूसरी परीक्षा यानी महाटैट 2 के लिए अभियोग्यता जांचनी जो दूसरी है उसके लिए फ्रेशर्स हो, रुके हुए हो 2017 के बाद के हो, इन तमाम के लिए एक अच्छी बात है। उर्दू मीडियम के जितने भी मेरे तमाम लोग देख रहे होंगे इस बात से अलर्ट हो जाओ कि वहाँ लॉगिन की फैसिलिटी जो है दी हुई है, तुम्हारे इसमें कोई मिस्टेक है, अब अगर तुम माजी सैनिक है तो वहाँ उल्लेख करो, सक्षम अधिकारी के पास वो चीज़ें जमा करो। अगर तुम्हारी कोई कास्ट, कोई नाम, कुछ में मिस्टेक हो गई होंगी उसका बदल करके सक्षम अधिकारी के पास उसके जो है एक अर्ज के साथ वो चीज़ें का सर्टिफिकेट या फिर 10वीं के बोर्ड सर्टिफिकेट पे जो नाम है सेम वैसे नाम वाले आधार कार्ड के साथ में वो जोड़कर वहाँ दो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। ओके, ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब रिजल्ट आने में है, समझो अगर आ जाएगा तो ये और एक अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। अगली टीईटी अब कब होंगी, क्या होंगी उसका सोचो मत, तुम टीईटी पास हो गए, सीटेट पास हो गए, खत्म काम। इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं कि क्या कब होंगे, अब सिर्फ मेन चीज़ है हमारी थीम है अब योग्यता जांचनी यानी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो टारगेट लिए इसको करो, कल परसों मैंने बोला ही क्या क्या टारगेट करना है अपने को। अगला वीडियो इंशाल्लाह मैं जो बनाने की कोशिश करूँगा वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाऊँगा, डॉक्यूमेंट्स की आगाही, डॉक्यूमेंट से मुतालिक जो है चीज़ें क्या क्या लगती है ये अक्सरियत में हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, एज वगैरह के बारे में मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दिया उर्दू मीडियम वालों की। उसके बाद में मैं अगर बात करूँ, अगर एमपीएससी नहीं मिली, आईबीपीएस के पास, टीसीएस के पास भी देता है वो, तो यानी भर्ती होंगी ऐसा पूरे पूरे इम्कानात है, होप है, उम्मीद है। दुआ भी करो आप कि हो जाए इंशाल्लाह। बहुत से जो बच्चे जो है खाली बैठे हैं अपने मराठी मीडियम के, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, जो डीएड कर चुके हैं गवर्नमेंट के सर्विस में आना चाहते हैं शिक्षक के, ऐसे कम से कम 10-1 लाख लोग जो बैठे हैं लेकिन सब टीईटी पास नहीं, सीटेट पास नहीं है, तो वो एक अलग बात है। पिछले बारी में 2017 में 2.25 लाख बच्चों ने, 1,90,000 बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया था, हालांकि 15 लाख बच्चे जो है खाली थे। अब 1,90,000 में से भी 1 से 8 पर कम थे और 9 से 12 पर ज़्यादा थे, ये अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ कि फिर भी कॉम्पिटिशन रहेगा, और ये है महाटीटी की आज की जो अपडेट थी ये मैंने बताने की कोशिश की आपको। और ये तमाम प्रोसेस जो मैंने बोला वो 10 अगस्त तक चलने वाला है और टीईटी का रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह, और आ गया तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी आगे के फ्यूचर के लिए, अपने अभियोग्यता जांचनी होने के इम्कानात के लिए होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि महाटीटी का रिज़ल्ट आ जाए। अदरवाइज़ वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो और उर्दू मीडियम में शेयर करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, इससे आपका फ़ायदा हुआ, और जो है उर्दू मीडियम के किसी भी स्टूडेंट तक ये शेयर करो। अगला वीडियो मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाने की पूरी पूरी जो है कोशिश करूँगा। अस्सलामुअलैकुम।